कोरबा जिले के दीपका थाना अंतर्गत ग्राम मांगा मार में एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां तीन युवकों द्वारा अपने ही गांव की युवती को बंधक बनाकर युवती को अपनी अश्लीलता का शिकार बनाया। मिली जानकारी के मुताबिक दिनांक 13 सितंबर 2021 को पीड़िता पानी लेने पास के ही हैंडपंप गई हुई थी, जहां युवकों ने उसे जबरदस्ती बंधक बनाकर उसे अपने घर में रख लिया। युवती काफी समय तक पानी लेकर वापस घर नहीं आई तो परिजनों ने युवती की तलाश की और जब युवती नहीं मिली तो अगले दिन इसकी सूचना उन्होंने दीपका थाने को दी। दो दिन बाद जब युवती गांव के ही एक बाड़ी में मिली, युवती ने अपने माता पिता को अपने साथ हुए वारदात की जानकारी दी। युवती के माता पिता द्वारा तीनों आरोपियों के विरुद्ध दीपका थाने में शिकायत दर्ज कराई। मामले को संज्ञान में लेते हुए आरोपियों पर धारा 376 के तहत अपराध पंजीबद्ध करते हुए थाना प्रभारी अविनाश सिंह के मार्गदर्शन में टीम गठित कर मांगामार गांव व आसपास के क्षेत्रों में आरोपियों की पतासाजी की जाने लगी। बीएनए 24 न्यूज के लिए कोरबा से कमलेश तिवारी की रिपोर्ट। दीपका थाने में हमने एक अपराध पंजीबद्ध किया है। अपराध क्रमांक 279/21। एक लड़की है दीपका थाना क्षेत्र के अंतर्गत। वो 13 तारीख से अपने घर के आसपास नल में पानी वानी भरने गई थी, वहां से वो लापता हो गई थी। परिजन एक दिन तक उसको ढूंढे, फिर 14 तारीख को हमको आकर इसकी सूचना दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम का गठन किया गया और टीम लगातार उस लड़की का पता तलाश कर रही थी। तो जब पुलिस की सख्ती बरती गई उस गांव में, तो वहां कुछ आरोपियों ने, गांव के लड़कों ने उसको, जो उसको पकड़ के रखा हुआ था, उसको छोड़ दिए। और फिर लड़की से हमने पूछताछ की तो लड़की के द्वारा बताया गया है कि गांव के तीन लड़के के द्वारा उसको बंधक बना करके रखा गया था और उसके साथ लगातार दो दिन तक से रेप किया।